Good morning. मीरान, खैरियत है तुम इतनी जल्दी उठ गए? यार मूड क्यों खराब है तुम्हारा? तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि मैं कौन हूं? ये क्या बात हुई? तुम मीरान हो, मेरे शौहर हो तुम। मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब कि कुछ नहीं हो तुम मेरे? कल शादी हुई है हमारी, शौहर हो तुम मेरे मीरान। क्या तुमने कहानियां नहीं सुनी रेहान? कैसी कहानियां मीरान, तुम क्या कह रहे हो? पुरानी कहानियां, और हमारी कहानी यहीं खत्म। मतलब हमारी मोहब्बत यहीं खत्म रेहान चादलो। कहां जा रहे हो तुम मुझे छोड़कर? मैंने तुमसे कहा ना हमारी कहानी यहीं खत्म। क्या मतलब कि कहानी खत्म? ये सच नहीं, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मीरान मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे, बताओ मुझे। जाकर अपनी फैमिली से पूछो, सब बता देंगे तुम्हें। मीरान, तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपने चाहिए मीरान, इंसाफ तभी होगा। कहां जा रहे हो तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं। हाँ, शादी हुई है मीरान, तुम तो कहते थे मुझसे बहुत मोहब्बत है। हाँ, क्या वो सारी बातें झूठ थी मीरान, बताओ मुझे। हाँ, क्या जवाब दो। तुम्हें कल रात को बताया था मैंने, यहाँ जो कुछ होगा वो यहीं तक रहेगा। मेरे पीछे हरगिज़ मत आना, मेरे लिए तुम इसी घर में रह गई, समझ गई? मीरान नहीं, मीरान। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे कभी माफ नहीं। मीरान पीछे पलट कर मत देखना, सब खत्म हो गया। कभी नहीं भूलूंगी मैं ये सब। मीरान पीछे पलट कर मत देखना बिल्कुल भी, हमने अपना इंतकाम ले लिया, खेल खत्म। गलत कर रहे हो तुम मीरान। चाहे जितनी भी दूर चली जाओ, ढूंढ लूंगा, और अगर कभी तुम गिरने लगे तो तुम्हें पकड़ लूंगा, ऐसे ही जोर से। और अगर तुम नहीं पकड़ सके, अगर मैं गिर गई फिर? हर किस नहीं। मीरान!
खेल खत्म। मीरान पीछे पलट कर मत देखना बिल्कुल भी। हमने अपना इंतकाम ले लिया, सब खत्म हो गया। मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो मीरान? तुम मुझे यहां जिंदा कैसे छोड़कर जा सकते हो मीरान? चला गया छोड़कर।
मीरान, मेरे शहजादे आ गए तुम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बताओ, हमारा इंतकाम ले लिया तुमने? शादुलू के दिल में आग लगा दी तुमने? हमने इंतकाम ले लिया दादी जान, जिस तरह उन्होंने हमें चलाया था। अब वो सारी जिंदगी इस आग में खुद चलेंगे। बहुत शुक्र है या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। मरने से पहले तूने मुझे ये दिन दिखा दिया, तेरा बहुत शुक्र है। हमारे मुकद्दर की सियाह लकीरों को मिटाया है तुमने। आज से शादुलू का बुरा वक्त शुरू। ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं उस शादुलू खानदान ने बुरा तो नहीं किया तुम्हारे साथ? तुम लोग होटल भी नहीं गए, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? बिल्कुल नहीं दादी जान, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से हमें रात एक छोटे से घर में गुजारना पड़े। बहुत अच्छा हुआ ये तो। शादुलू की लड़की के लिए ये भी बहुत है। दादी जान, आप लोग कार्स वापस से ले जाएं, मैं भी वहीं पर आ जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम कुछ और वक्त अपने माँ बाप की कब्रों पे गुजार लो, फिर आ जाना। के बाद बस एक ही कहानी सुनी है मैंने। हालांकि अम्मी जान, आप मुझे और कहानियां भी सुनाती थी। मैंने आपको बहुत मिस किया अम्मी जान। आपसे हमेशा एक फूल जैसी खुशबू आती थी, सबसे मुनफरद। अम्मी जान, मुझे आपकी वो खुशबू बहुत याद आ रही है, आपकी लोरियां बहुत याद आती हैं अम्मी जान। जिन्होंने आपको मुझसे जुदा किया उनसे बदला ले लिया मैंने। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, ये दिल की जलन, इस दिल को क्यों करार नहीं आ रहा मैं? ये क्यों बेचैन है इतना? क्यों अम्मी जान, बताए ना। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप दोबारा मुझे छोड़कर चली गई अम्मी जान। फिर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना चला गया। मुझे दर्द दर्द क्यों हो रहा है अम्मी? इस दर्द को कैसे खत्म करूं मैं?
तुम्हें कल रात को बताया था मैंने, यहाँ जो कुछ होगा वो यहीं तक रहेगा। मेरे पीछे हर किस्मत आना, मेरे लिए तुम इसी घर में रह गई, समझ गई? दादी जान का है। तुम्हारी दादी का? जी अम्मी, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। खेल खत्म हुआ, शुक्र है हमने अपना बदला ले लिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने हमें ये दिन भी दिखाया। शुक्र है उस जात का। तुम एक काम करो कि बहू को साथ लो और कार से वापस चली जाओ। उनसे पूछे मीरान कहाँ है, कब तक आ रहा है। ठीक है अम्मी, हम भी आपके ही कॉल का इंतजार कर रहे थे। मतलब हम आपका और मीरान का इंतजार ना करें और कर्ज वापस चले जाएं? हाँ, तुम बिल्कुल ऐसा ही करो सुल्ताना। मीरान भी अभी कब्रिस्तान में है, थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से निकल जाएगा। वो और हम रास्ते में मिल जाएंगे, तुम लोग निकल जाओ। ठीक है अम्मी, अल्लाह करे सब खैरियत से हो। खेल खत्म, हमने अपना इंतकाम ले लिया। अब ना रियान बाकी है और ना शादोलू खानदान, अब सिर्फ हम हैं। अब हमारे सामने सिर्फ अजीजा ही रुकावट है। یا اللہ ان دونوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما۔ آمین سم آمین۔ میران، چلو چلے، کافی دیر ہو گئی۔ میرے خیال سے پہلے ہم ہوٹل چلتے ہیں، मुझे तुम काफी थके हुए लग रहे हो, कुछ देर आराम कर लो। जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग गाड़ी में चलते हैं, तुम पिछली सीट पे आराम कर लेना, मैं ड्राइव कर लूंगा। क्या कहते हो तुम? तुम साथ नहीं आओगे फिर रात? मैं अकेला ही कार से वापस जाऊंगा, तुम्हें किसी और जगह पर जाना है। कहाँ? उस घर में जाओ और जाकर देखो, मैंने लड़की को वहीं छोड़ा था। मेरे भाई, जब तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो फिर वहां छोड़ा ही क्यों था उसको? फिरात, बात समझो, मैं जैसा तुमसे कह रहा हूं वैसा ही करो। सही, तो फिर बताओ कहां जाना। इस बात का ख्याल रखना कि वहां कोई तुम्हें देखे नहीं। सही, समझ गया, मगर ये जगह है कहां पर? मिद्यास से पहले तुम्हें एक जगह खाली जमीन नजर आएगी, वहीं पर वो घर है। मैं कहां पर हूं? कौन है आप? कहां लेकर जा रही हैं मुझे? कहां लेकर जा रहे हैं आप लोग? दरवाजा खोले,
आप लोगों ने मुझे जलने से बचाया है, कहाँ लेकर जा रही हैं आप मुझे? रोको गाड़ी। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? नीचे उतरो। बिल्कुल नहीं। सुना नहीं? मैं यहाँ नहीं उतर सकती, यहाँ सब मुझे जानते हैं। देखिए, प्लीज प्लीज मुझे शहर से बाहर कहीं उतार दे। देखिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं नहीं, छोड़ो, नहीं। तुम क्या समझी तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगी? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे मरने से सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी और आग में जल जाने से तुम्हें आसान मौत आ जाएगी? तुम्हें आग में जल के मरना था ना? जहन्नम का पहला दरवाजा है अभी तो। तुम्हें जिल्लत की आग में चलना है। जिंदा तो रहोगी तुम लड़की, मगर मौत से बदतर। अब महसूस करो जिल्लत। मगर तुम हो कौन? डरो नहीं, डरो नहीं। मेरे साथ आ जाओ बेटी, आ जाओ। भाई, आपकी अंगूठी रह गई है। कैसी अंगूठी? ये आपकी है ना? मुझे तो लगता है ये आपकी शादी की अंगूठी है। शुक्रिया।
तुम्हारे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपने चाहिए मीरान। इंसाफ तभी होगा। इस अंगूठी को हमेशा अपने दिल के पास रखना ताकि तुम्हें अपनी माँ का इंतकाम लेना याद रहे। याद रखना कि तुम्हारा जहन अपने मकसद से कहीं ना भटके। डर क्यों रही हो बेटी? आओ अंदर आ जाओ, आओ घबराओ नहीं। बैठ जाओ वहां पर। ये लो बेटी, पी लो। किस्मत की किताब में तीन चीजें लिखी होती हैं बेटा। एक तो ये कि कब पैदा होना है, किससे शादी होनी है और कब मरना है। कुदरत के इंसाफ का इंतजार करो तुम, फिक्र मत करो। अगर किसी के साथ कोई जुल्म या ज्यादती होती है तो यहां पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उधर अर्श हिल जाता है बेटी। लेकिन किसी मजलूम की दिल से जब आह निकलती है ना तो वो सीधी अल्लाह तक जाती है। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं अब। हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा आराम करो और अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। और मेरी बात गौर से सुनो, ऐसी हालत में बाहर मत निकलना, ठीक है बेटा? और देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। सारा घर जलकर खाक हो गया, अल्लाह करे कोई अंदर ना रह गया हो। यहां किसने लगाई? पता नहीं हम लोगों को, हम खुद हैरान है यहां कैसे लग गई। कहीं कोई अंदर था तो नहीं? पता नहीं भाई, कोई कह रहा है था और कोई कह रहा है नहीं था, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ऐसी आग जिसने सारा घर खाक कर दिया, तो इस घर में मौजूद कोई भी जिंदा कैसे बच सकता है?
ओ मेरे खुदा। अब मैं क्या जवाब दूंगा मीरान को? काश पहले पहुंच जाता। खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया बहू। खुशामदीद। आज का दिन मेरी पोती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ मेरी बच्ची, आज से मीरा तुम्हारा है। जाओ तैयार हो जाओ। शुक्रिया दादी जान। गोनल अल्लाह करे हमेशा खुश रहो तुम। खैरात बांट दी है तुमने? जी बांट दी है, और कुर्बानी के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सही है। ये लो बेटी पी लो। नहीं अंकल, ये मुझसे नहीं पिया जाएगा। पी लो बेटी, सिर्फ दो चम्मच। बेटी देखो, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं मुझसे? घर वापस गए तो मेरे दादा जान मुझे मार डालेंगे। तुमने मुझे अपना जो ख्वाब बताया था, तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, वो सब ठीक कर देंगे। फिक्र मत करो, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरे शौहर ने जो मेरे साथ किया वो बता भी नहीं सकती। क्या कहूंगी अपने घर वालों से? हाँ क्या कहूंगी मैं? सिर्फ सच बेटी, तुम सिर्फ सच बताओ, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। और हाँ, जिसने ये सब तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए ऊपर सजा तैयार हो रही है। तुम बस अल्लाह पर भरोसा रखो, ठीक है? उसने जो किया मेरे साथ, मैं उसके लिए उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। बाज़ औक़ात मरने से ज्यादा तकलीफ देने वाली चीजें होती हैं बेटी। तुम्हें किसी का इंतजार करने की तरह की। मैं समझी नहीं आपकी बात। अच्छा तो सुनो बेटी, तुम्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक तो पहले इंसान थे और पहले पैगम्बर भी। इंसान की सारी चीजें सबसे पहले उनके तजुर्बे में आईं। प्यार सबसे पहले उनके दिल में आया। अपनी पसली से पैदा होने वाली औरत से उन्हें प्यार हो गया, अम्मा हव्वा के साथ। अम्मा हव्वा के साथ उनको ऐसी मोहब्बत हुई कि वही उनके लिए उनकी जन्नत बन गई। उनकी सबसे अच्छी दोस्त, उनकी बीवी, उनकी जिंदगी, उनका सब कुछ बन गई। जिस तरह उनका घर जन्नत में था, उसी तरह उनका दिल भी जन्नत बन गया। उस वक्त तक जब तक उन्होंने अल्लाह की मना की हुई चीज को न खाया। सुनो बेटी, पैगंबर भी तो आखिर इंसान ही होते हैं। गलती करना इंसान की फितरत में है, और इसी गलती की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों जन्नत से निकाल दिए गए। ये एक इतनी मुश्किल घड़ी थी उनके लिए। इस बहुत बड़ी दुनिया में एक इस कोने में और दूसरा दूसरे कोने में भेज दिया गया।
लेकिन उन्होंने एक दूसरे को ढूंढना था और फिर इस दुनिया में एक दूसरे की उनकी तलाश शुरू हुई। ये दुनिया में दी गई सबसे बड़ी सजा थी इश्क का अपने मेहवर से दूर हो जाना, अपनी मोहब्बत को ढूंढना। चालीस साल की खत्म न होने वाली मुसाफत और न खत्म होने वाली तलाश थी अपनी मोहब्बत की तरफ। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे को ढूंढ ही लिया। और उसी जगह को अरफात कहते हैं। पैगंबर का इम्तिहान बहुत भारी था हम जैसे लोगों के लिए। हम अपनी मोहब्बत को कितने अरसे तक ढूंढते रहते, क्या पता ये सजा कब खत्म होती। हम जैसे लोगों का अरफा कहां पे है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक मिनट रुकना। ये तुम्हारे लिए। ये तो मुझे दे रही हो। नहीं, अमानत के तौर पर दिया है। इसको तुम्हें और तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूं। समझदार कहते हैं अगर किसी को अल्लाह के सपोर्ट कर दें तो तब तक मौत नहीं आती जब तक उसे देख ना ले।
कभी नहीं, वो नहीं मर सकती क्योंकि उसने मुझे अल्लाह के सुपुर्द किया था। मुझे देखे बिना वो नहीं मर सकती। मीरान कहां जा रहे हो? रियान को ढूंढने जा रहा हूं।